मैं हूँ दीप्ति और दीप्ति मिश्रा किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी का साग। और फ्रेंड्स, आज मैं जो मेथी का साग बनाऊंगी वो बिल्कुल अलग तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि इसमें मैं उड़द दाल का यूज कर रही हूँ और साथ ही मैं आज इस साग को प्रेशर कुकर में भी बना रही हूँ। इससे इसका स्वाद और भी अच्छा आता है और बिल्कुल अलग आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेथी का साग बनाना शुरू करते हैं। मेथी का साग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मेथी ली है, जिसे मैंने अच्छे से साफ करके वॉश कर लिया है और जो एक्स्ट्रा पानी था उसे मैंने निकाल दिया है। 250 ग्राम मेथी के साथ हमें चाहिए 1/2 कप उड़द की दाल, ये लगभग 70 ग्राम उड़द की दाल है, और नमक हम अपने स्वाद के अनुसार यूज करेंगे। तड़का लगाने के लिए हमें 3 से 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल चाहिए, 1 टेबल स्पून हींग, 3 से 4 लहसुन की कलियां, इसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, और 2 ग्रीन चिली, इसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, 1/4 कप गेहूं का आटा, लगभग हमें 3 से 4 टेबल स्पून गेहूं का आटा चाहिए होगा। तो फिर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपनी मेथी को काट के रेडी कर लेते हैं, और मेथी को काटने के लिए मैं यहाँ पे एक चॉपिंग मशीन का यूज कर रही हूँ। इसकी मदद से इसको हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी काट के रेडी कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये चॉपिंग मशीन नहीं है तो आप नाइफ की मदद से भी इसको काट सकती हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप मेथी को बहुत ही बारीक बारीक काटिएगा, क्योंकि उससे जो हमारा साग है वो बहुत अच्छा बनेगा। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी मेथी को काट के रेडी कर लेती हूँ। ये चॉपिंग मशीन बहुत ही अच्छी है, इससे कोई भी ग्रीन वेजिटेबल हो वो बहुत ही आसानी से कट जाती है, क्योंकि जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं उनको काटने में बहुत ही कठिनाई होती है। तो इससे मैं इसको बहुत ही आसानी से काट लेती हूँ और हमारे टाइम की भी बचत हो जाती है। और इसमें रखने के बाद इसका ढक्कन बंद कर देती हूँ और इसको घुमा के अपनी सारी मेथी मैं कट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी मेथी कट के रेडी हो गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए कितनी फाइन कटी है ये मेथी और कितनी जल्दी कट के रेडी हो गई है। तो इसको मैं एक अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो फिर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो सबसे पहले हम अपने प्रेशर कुकर में जो मैंने मेथी काटी थी उसे मैं डाल देती हूँ। उसमें जो उड़द की दाल मैंने ली थी उसको मैंने 2 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है, तो उसे भी डाल देते हैं इसमें। और उसके बाद नमक अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे इसमें, और उसके बाद मैं इसमें पानी डाल देती हूँ और मिक्स कर देते हैं सबको। इतना साग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 ग्लास पानी का यूज किया है। ये देखिए आप पानी का लेवल देखिए, बहुत ज्यादा पानी नहीं रखना है, इतना रखना है कि हमारा साग बॉइल होके रेडी हो जाए। अब मैं गैस का फ्लेम ऑन कर देती हूँ, और हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है, लो नहीं रखेंगे या मीडियम भी नहीं करेंगे, बिल्कुल इसको फुल गैस पर ही हमें बॉईल करना है। और मैं अपने कुकर का ढक्कन बंद कर देती हूँ, और इसको हमें तब तक कुक करना है जब तक कि हमारे प्रेशर कुकर में 3 सीटी ना जाए। तो हमें 3 सीटी तक वेट करना है, और ये भी ध्यान रखना है आपको कि आपका गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई होना चाहिए, आप उसको कम नहीं करेंगे। फुल गैस पर ही हमें 3 सीटी आने तक अपने साग को कुक करना है। इसमें 3 सीटी आ गई है, और अब मैं गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देती हूँ, और स्लो गैस पे हमें इसको लगभग 2 से 3 मिनट तक और पकाना है, ताकि जो हमारी दाल है वो भी अच्छे से अंदर तक पक जाए। तो इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए और छोड़ देती हूँ। 3 मिनट हो गए हैं इसको स्लो गैस पे पकते हुए, तो अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ, और जब तक हमारे प्रेशर कुकर का प्रेशर अपने आप नहीं निकल जाता है तो फिर इसको इसी तरीके से छोड़ देते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप पर। जब तक हमारे प्रेशर कुकर का प्रेशर निकलता है तब तक हम अपने गेहूं के आटे का एक स्मूथ पेस्ट बना के रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक खाली बाउल लिया है, उसमें हम इसे डाल देंगे, और इसके लिए मैंने 1/2 कप पानी लिया है, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े और एक स्मूथ पेस्ट बन के रेडी हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा पेस्ट बन के रेडी हो गया है, और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये थोड़ा सा पतला ही रहता है। तो अब देख लेते हैं कि हमारे प्रेशर कुकर का प्रेशर निकल गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो कुकर का प्रेशर निकल गया है, तो अब मैं इसको खोल लेती हूँ और इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स,
मैं गैस का फ्लेम ऑन कर लेती हूँ और हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है। और जो मैंने गेहूं के आटे का पेस्ट बनाया था उसको मैं इसमें डाल देती हूँ और मिक्स कर देते हैं सबको। हमने जो इसमें गेहूं का आटा डाला है वो भी अच्छे से पक जाए इसलिए मैं इसको लगभग 4 से 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी। और हमारी सारी चीजें जो गेहूं का आटा डाला है उससे क्या होगा, आपस में सब अच्छे से मिल जाएंगी और ये देखने में भी सुंदर लगेगा और खाने में भी इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए हैं और अब मेरा साग भी बन के रेडी हो गया है। जो हमने इसमें गेहूं का आटे का पेस्ट मिलाया था वो भी पक गया है अच्छे से और देखिए सारी चीजें अब आपस में मिल गई हैं। ये देखिए इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि हमारा साग बन के रेडी हो गया है। और जब ये बन जाए, जब ये बन जाएगा तो इसकी स्मेल से भी आप इसका पता लगा सकती हैं कि ये बन के रेडी हो गया है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर ये आपको ज्यादा गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें बॉइल करते समय ही थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। बाकी इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इस तरीके से है और ये बन के अब बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। तो फिर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो फ्रेंड्स अब हम अपने साग के लिए तड़का बना के रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल लिया है, उसको मैं इसमें डाल देती हूँ और गैस का फ्लेम ऑन कर लेते हैं। और गैस का फ्लेम स्लो या मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे। तो फ्रेंड्स अब ऑयल गर्म हो गया है और इसमें मैं लहसुन डाल देती हूँ और उसके बाद ग्रीन चिली। इसमें मैंने सिर्फ ग्रीन चिली का यूज किया है, अगर आप ज्यादा तीखा पसंद करती हैं तो आप रेड चिली का भी यूज कर सकती हैं। और इनको चला लेते हैं अच्छे से और जब ये गोल्डन ब्राउन होके एकदम रेडी हो जाए पक के तब हम इसमें अपनी हींग डालेंगे। हींग हमें शुरू में नहीं डालनी है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ही हम हींग इसमें डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो लहसुन था वो गोल्डन ब्राउन हो गया है और हमें इसको ज्यादा नहीं करना है। अब हम तुरंत इसमें अपनी हींग डाल देते हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ मैं। तो तड़का मैंने रेडी किया है उसे मैं जल्दी से अपने साग में डाल देती हूँ। थोड़ा सा इसमें लेकर मिक्स करके इसको डाल देते हैं जैसे। और मैं कुकर का ढक्कन 1 से 2 मिनट के लिए फिर से ढक देती हूँ ताकि जो हमारे लहसुन और हरी मिर्च का फ्लेवर है वो इसके अंदर अच्छे से घुल मिल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा मेथी का साग बनके एकदम रेडी है। और लास्ट में मैं इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी डाल देती हूँ जो कि इसके टेस्ट को और भी अधिक अच्छा बना देता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि जब भी मैं आपके लिए कोई न्यू रेसिपी लेके आती हूँ तो उसके पीछे मेरी बहुत सारी मेहनत होती है, क्योंकि मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आऊँ ताकि आप उसे अपने घर में ट्राई कर सकें और उसे अच्छे से बना सकें। और फ्रेंड्स मेरी इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और प्लीज फ्रेंड्स कमेंट्स करना ना भूलें और साथ ही दीप्ति मिश्रा किचन को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं न्यू वीडियो विद न्यू रेसिपी के साथ। ओके बाय एंड टेक केयर।